नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास, लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। आज हैं भाई हमारे साथ एक मान शख्सियत, मान भारत केसरी, कॉमनवेल्थ पदक विजेता, एशियन गेम पदक विजेता, मौसम खत्री पहलवान। तो भाई पहले तो पहलवान राम राम आपको। भाई राम राम विक्की आपको भी। आपके भाई थोड़ा सा आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए भाई, आपका गांव कौन सा, आपके फैमिली में कौन कौन है, अपने बारे में आपकी शुरुआत कहाँ से ये बताइए। मेरा नाम मौसम खत्री है और मेरा गांव पांची जाटान है, सोनीपत में पड़ता है। और मुझे अपने पिताजी से देख के ही कुश्ती का, वो भाई भी कुश्ती करता था और फैमिली में कुश्ती का अच्छा माहौल था, इसलिए कुश्ती स्टार्ट की थी। अच्छा, आपके पिताजी से ही आपको प्रेरणा मिली कि भाई मुझे भी पहलवान ही बनना है। हाँ, मेरे पिता मेरे पिताजी भी पहलवान थे, जैसे गाँव गुआंडों में कुश्ती होती थी पहले, दंगलों में इस तरीके की। तो मुझे भाई पहलवान निकलने लगा, फिर मैं पहलवान निकलने लगा, इसी से ही सीख मिली कि पहलवानी करनी बस। बहुत अच्छी बात है भाई, इनके प्रेरणा स्रोत इनके पिताजी हैं। ये बता दीजिए भाई, किस किस कोच के पास प्रैक्टिस करी, गांव से शुरू होकर कहां कहां प्रैक्टिस करी, किस किस कोच के पास प्रैक्टिस करी, आपका गुरु कौन है? भाई कोच तो पहले तो हमें जाट स्कूल में ओम प्रकाश कोसा के पास की थी, और फिर मैं नर्सरी में हो गया था यहाँ पर सुभाष स्टेडियम में, यहाँ प्रकाश कोच थे। और गुरु तो हमारे भाई है सतपाल पहलवान मानोठी वाला, वही मेरा गुरु है, वही भाई। भाई इनके बड़े भाई हैं सतपाल मांडोठी, वही इनके गुरु हैं। उन्होंने भाई इनको ये बात कहते हैं भाई कि भी मौसम पहलवान को बनाने में सबसे बड़ा हाथ सतपाल पहलवान का है, ये बात कितनी सच है भाई? ये सारी सच है भाई, उसी ने पहलवानी करवाई है, उसी ने तैयार किया था, देख रेख उसी ने की है भाई। भाई ये पहलवान ने बताया कि भी उसी ने ही मेन जो देख रेख की है, उसी ने पहलवानी करवाई है। भाई ओम प्रकाश कोच साहब के पास कितने दिन रहे आप? ओम प्रकाश कोच साहब के पास एक साल की थी प्रैक्टिस, फिर मैं नर्सरी में हो गया था प्रकाश कोच साहब के पास, उनके पास भी काफ़ी टाइम की थी। और सतपाल तो मैन रहा ही है, अर्जुन है पहलवान। भाई प्रकाश कोच साहब की कोई एक चीज़ बताओ, कोई इंडोरेंस ज़्यादा कराता है, कोई पावर की ज़्यादा कराता, कोई टेक्निक, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे? प्रकाश को हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, इंडोरेंस पे भी, पावर पे भी, स्ट्रेचिंग वगैरह सब अच्छी तरह से। वो कूल डाउन स्टार्टिंग में, जैसे वार्म अप में कूल डाउन भी करवाते थे। अच्छे बढ़िया कोच रहे हमारे प्रकाश कोच, हमारे बहुत अच्छे कोच रहे हैं। भाई पहलवान जी ये बताओ, पहली बार भारत केसरी का खिताब कहाँ जीता आपने? पहली बार मुझे बयानी में था, क्या क्या 9000 रुपये का दंगल हुआ था, वो भारत केसरी का था। और उसके बाद तो काफ़ी बार भारत केसरी बना। कितनी बार भारत केसरी बने हो आप? मैं कम से कम 30-40 बार भारत केसरी बनाया हूँ, सरकारी भारत केसरी 2 बार बनाया हूँ, वैसे दंगलों में जो कुश्ती 1 लाख की कुश्ती उनमें भारत केसरी काफ़ी बार बनाया हूँ, सरकारी दंगलों में जो दंगल करवाए सरकारी दंगल में 2 बार भारत केसरी बनाया हूँ। 2 बार जो भाई सरकारी भारत केसरी जो सरकार ने करवाया दंगल उसमें विजेता रहे हैं। भाई एशियन गेम्स में 2010 में कितनी कुश्ती हुई आपकी, जब आपने कांस्य पदक जीता है, और कैसा महसूस हुआ उस टाइम पर? कांस्य पदक जीता जब मेरी चार कुश्ती हुई थी, उसमें 3rd मेडल आया था मेरा, और बहुत अच्छी कुश्ती रही थी वो, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया लगा मेरा मेडल आने के बाद एशियन गेम में, बहुत अच्छा लगा। भाई उसके बाद थोड़ा सा ये बताया जाता कि भी डोपिंग की भी वो आप पर लगी, उसके बाद भी आपने वापसी की, क्या गलत खा पी लिया था जिसके कारण वो डोपिंग के उसमें मामले में आप आए, और उसके बाद भी आपने वापसी की है? भाई उसमें डोप में कुछ नहीं खाया था ऐसा, वो फेडरेशन के थोड़ा आप समझते हो चलता रहता राजनीति उनकी, जो और खिलाड़ी फंसे थे 11 खिलाड़ी फंसे थे हम, जैसे एक साइकिलिंग के थे, रनिंग के थे, वो सभी खिला लिए फेडरेशन ने, वो हमें कॉमनवेल्थ नहीं खिलाया था और एशियन गेम में गाल दिया था हमने। भाई राजनीति के तहत ही इनको इस उसमें, उसके बाद भी आपने जबरदस्त वापसी की, और 2018 में भी आपने सिल्वर मेडल जीता, वहाँ कितनी कुश्ती हुई? वहाँ भी भाई 4 कुश्ती हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में, वहाँ 2nd मेडल जीता था, वहाँ ही बहुत अच्छा लगा। और भाई सतपाल पहलवान तो जैसे आपके भाई गुरु भी हैं, भाई भी हैं, और भाई प्रकाश कोच साहब हैं, ओम प्रकाश कोच साहब हैं, इनके अलावा भाई कोई ऐसा पहलवान जो आपको लगता है भाई मुझे इस जैसा बनना, बचपन में सोचा हो किसी के बारे में? बस भाई इन्हीं को देखते थे पहलवानों को, सुशील होया, योगेश्वर होया, रमेश भूरा होया, चौधरी भाई, इनकी तरह अच्छा पहलवान बनना है, हमारे सीनियर यहीं थे, राजू तोमर होया,
तुम खेड़े हो, बहुत पहलवान थे भाई, इनकी तरह नाम करना, इनकी तरह पहलवान बनना है भाई। एक कोई ऐसी यादगार कुश्ती बताओ जो दंगल में आपके आज भी याद में हो कि भाई मेरी बेहतरीन कुश्तियों में से एक थी, दंगल की कोई कुश्ती मिट्टी की। किसके साथ? दंगल की तो घनी कुश्ती हो रही है, रोहित पटेल के साथ हो रही है, लड्डू के साथ, जोगिंदर पहलवान के साथ हो रही है, अतीश पहलवान, काफी कुश्ती हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी यादगार कुश्ती जो आपने निकाली हो भाई, इनमें से कोई से पहलवान को चित करा हो कि भाई हाँ अच्छी कुश्ती रही आपकी, जो आपकी बेस्ट कुश्ती रही हो दंगल की। दंगल की तो भाई ये हमारी ये एक मैट पे हुई थी, वो भारत के इसी का दंगल था 1 करोड़ का, सुमित पहलवान के साथ हुई थी, वो अच्छी मैट पे कुश्ती हुई थी दंगल में, तो इतनी याद नहीं मैट की, वो तो बढ़िया कुश्ती वही मानता हूँ भाई। सुमित पहलवान है जो करोड़ से 125 किलोग्राम में जो छत्रसाल स्टेडियम में, उनको आपने दो बार हराया है। हाँ रहा तो कई बार रखा, उसने भी हराया मुझको, पर मैंने काफ़ी बार हराया, 3-4 बार 5-6 बार मैंने हराया उसको, 1-2 बार उसने हराया है भाई। मौसम पहलवान क्या प्रैक्टिस करता सबसे ज़्यादा भाई, जो भाई कोई उठा बैठी ज़्यादा मारे है, कोई रस्सा ज़्यादा करे है, कोई टेक्निक ज़्यादा करे, कोई जोर, कोई वेट ट्रेनिंग, आपका जो फेवरेट व्यायाम था कौन सा काम करते थे भाई? मैं तो टेक्निक प्रैक्टिस करता था और रनिंग रस्सा वस्सा यही करते थे भाई, मैट पे ज़्यादा टाइम देते थे। आपका फेवरेट दांव कौन सा है? टांग काटना भाई। भाई मौसम पहलवान का सबको पता है भाई, ये अंदर से जो टांग काटते हैं सबसे फेवरेट दांव पहलवान का ये है। और भाई खाने में क्या क्या पसंद है पहलवान को? भाई खाने में देसी डाइट, दूध दही जो मिल जाए, चिकन विकन भी खा लें, जो फंस जाए सही देसी सौदा वो खा लें भाई। एक पहलवान को और क्या क्या खाना चाहिए भाई? ये आजकल चल रहे हैं भाई स्टेराइड वगैरह, इनका सारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए भाई? इनका सारा तो ना लेना चाहिए, हमने तो लिया नहीं कभी ऐसा, पर नेचुरल है जो नेचुरल वो ही बढ़िया चीज़ रहे, दूध गई चिकन है, मीट माठ अंडे अंडे ये खा लेने चाहिए भाई। क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए जो नए खिलाड़ी हैं अब, उनको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रैक्टिस तो गणना तो मैट पे मैट ही ज़्यादा करना चाहिए बच्चों को, पहलवानों छोटे बच्चों को, ज़्यादातर टेक्निक प्रैक्टिस, जोर वगैरह और फिजिकल फिटनेस है, रनिंग होगी, रस्से हो गए, ऑर्डनरी चीज़ है एक्सरसाइज करने के लिए भाई। ये भी बताया जाता है मौसम पहलवान को फिल्म देखने का भी शौक है ना भाई? ये कभी देख ले बस इसी को बात को। फिर फेवरेट हीरो कौन है मौसम पहलवान का? फेवरेट भाई अपना सारे संजय दत्त, नाना पाटेकर। संजय दत्त, नाना पाटेकर भाई। ये क्यों कहते हैं कि भाई मौसम का एक फेवरेट डायलॉग है, बल्लू जेल तोड़कर भाग जाएगा, ये क्या क्यों कहें भाई? भाई मजाक काम कहे, जब गणित पड़ जाए प्रैक्टिस पे फिर भागना पड़ जाया करता है, कभी भाई दाए बाएं कोचा साइड में होगा, बल्लू तो भाग गई, बड़कन बना दी फिल्म याद है। अच्छा बड़कन बना दी कि भाई मौसम का भाई बल्लू जेल तोड़ के भाग जाएगा। एक आपका दोस्त है रामवीर पहलवान रेलवे में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ना बहुत बढ़िया पहलवान हो, ये बहुत बढ़िया दोस्त है भाई आपकी, ये बताओ भाई पूरी केयर करता है पहलवान? ना साथी हैं, पार्टनर रहे हम काफ़ी टाइम तो ही भाई, कई साल तो ही, बढ़िया पहलवान, बढ़िया भाई है, कोई दिक्कत बढ़िया भाई आपके। और भाई मौसम ने कोई विलन भी पसंद आया को फिल्म का? ना ऐसा कुछ ना भाई, ना भाई। जो नए बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे भाई मौसम पहलवान ने क्या क्या प्रैक्टिस करी? आप बता रहे भाई मैट ज़्यादा करा है और क्या करना चाहिए भाई, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा डाइट के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में जो नए पहलवान है। भाई प्रैक्टिस तो ये है जो कोच शेड्यूल देते उसके तरीके से ही करनी चाहिए, जो कोच करवाया, जो को ऊपर उस्ताद खलीफा है वो देख रेख में अच्छी प्रैक्टिस करवाता है। और खाने पीने में तो अपना भाई ये है जूस वगैरह है, फल फ्रूट है, रोटी है, ये है चिकन विकन खा ले, और इससे बढ़िया और डाइट कुछ ना है। ये भाई जैसे दूध दही ये बताते हैं कि भाई पहलवान एक मौसम पहलवान एक दिन में कितना घी खा जाता भाई? भाई इतना तो खाया नहीं, तो ठीक काम चला हुआ ले लिया करते, 50-100 ग्राम तो खाए लिया करते। फिर मौसम पहलवान गाने गुने भी सुने भाई? हाँ सुन ले, रागनी रुगनी सुन ले, गाने सुन ले भाई, साइड वाला के देख ले, रागनिया शौक है भाई मौसम पहलवान ने भाई। वर्ल्ड में कौन सा पहलवान आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वर्ल्ड विश्व स्तर पर? वर्ल्ड में भाई घने पहलवान जो अच्छे लग गए हैं, शायद यू था माई मारे पुराने सीनियर पहलवान थे और थे जो नए नए आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं भाई, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। 37 पहलवान जो रसिया से 74 kg के। और भाई प्लस में आपके वजन में कौन सा पहलवान अच्छा लगता है? एक वो रसिया का भाई सैदुलेव, वो भी अच्छा पहलवान है। सैदुलेव है भाई, स्नाइडर हैं, ये अच्छे पहलवान हैं। अब एक लड़के ने भाई कोई नया लड़का बताते हैं टाजिनोव, उसने उसको हरा भी है कहें 10-0 से। हाँ भाई बता रहे चोट चाट इतना दोहरी कुश्तिया थे ज्ञान नहीं इतना ही पता, पर चोट चाट में था पहला रसिया वाला, देखो ओलंपिक होगा क्या रहेगा।
फिर मौसम पहलवान को भाई ये अपने यार दोस्तों की शादी में डांस भी कर लेता मौसम पहलवान एंजॉय के लिए, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? हाँ भाई नाच ले हैं, ब्याह शादी में नाचने थी हुआ और के हाँ आपके दोस्तों की शादी हो उसमें खुशी हो। हाँ नाच ले भाई, कोई बात को नहीं, नाचने की दिक्कत है यार। पहला मेडल कहाँ आया भाई मौसम पहलवान का? पहला मेडल स्कूल नेशनल में आया था भाई साहब मेरा। कौन से सन में आया? पर भाई पहला मेडल की तो अलग ही खुशी हुई होगी। हाँ बहुत बढ़िया खुशी हुई थी। और भाई एक प्लेयर का सपना होता है इंडिया खेलना, भाई पहली बार इंडिया कब खेले? पहली बार 2007 में खेला था भाई कैडेट में इंडिया। थाईलैंड गए आप, वो कोच हैं जगदीश कोच साहब के साथ, उनके साथ भी आपकी अच्छी वो है। हाँ बढ़िया कोच है, मजाकिया कोच है, बढ़िया कोच है भाई। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद मौसम पहलवान ने अपना टाइम दिया, ऐसे भारत के श्री पहलवान है। अरे भाई ये बता कि भी जब अपनी पीक पे पहलवान था भाई कोई नहीं छोड़ा के सभी कुश्तियाँ में इन्होंने जीत हासिल की इंडिया में, और भाई कॉमनवेल्थ में भी मेडल है इनका, एशियन गेम्स में भी। बहुत बहुत धन्यवाद मौसम भाई। धन्यवाद विक्की भाई जो ने इंटरव्यू लिया। हमारे थोड़ा सा भाई हमारे व्यूअरों को भी बता दो कि भाई हमारे बारे में भी दो शब्द बोल दो। भाई विक्की हमारी के लिए भाई विक्की डार्ट स्कूल में इकट्ठे प्रैक्टिस कराया करते, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत मेहनती भाई है विक्की अपना। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज का इंटरव्यू कैसा रहा भाई कमेंट में बताइए आप कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद जय भारत।